मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हम ऐसे कानून बनाना चाहते हैं कि अगली बार ये पैसा कभी बाहर जाए ही नहीं, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। ये ले जाने वाले जो लोग हैं भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी करने वाले, इनके लिए कानून हम बनवाना चाहते हैं। संसद अगर हमारी बनेगी तो कानून हम ये बनवाएंगे और वो कानून ये होगा कि जब भी कोई आदमी इस देश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में पकड़ा गया और अपराध उसका सिद्ध हो गया तो पकड़े जाने के 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा, इससे कम नहीं। और वो फांसी की सजा जेल के अंदर तहखाने में नहीं दी जाएगी, भीड़ भरे चौराहे पर जहां लोग देखें उसको, और लोग देखें तो उनको पता चले कि भ्रष्टाचार करने का ये अंजाम होता है कि चौराहे पर आपको फांसी दे दी जाएगी। जब ये डर बैठेगा लोगों के मन में तब भ्रष्टाचार इस देश में रुकेगा और उस पर कंट्रोल लगेगा। जब तक सख्त कानून नहीं बनाएंगे भ्रष्टाचार ना रुकेगा ना उस पर अंकुश लगेगा। ये दूसरी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। आप ये पूछेंगे कि ये धन आ गया 110 लाख करोड़ फिर करेंगे क्या? इस धन का सबसे पहले हम उपयोग करना चाहते हैं गांव के लिए। 6,35,365 गांव हैं जहां कोई भी विकास का काम नहीं हुआ आजादी के 62 साल। बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सारे गांव वंचित हैं विकास से। रोजगार का साधन नहीं है, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, इसलिए गांव से लोग भाग भाग कर शहरों में आते हैं और शहरों की झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं। भोपाल जैसे जो शहर हैं वहां की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में है। ये सब गांव से भागे हुए लोग हैं जिनको अपने गांव में कोई रोजगार नहीं मिलता, वो भोपाल आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं, कहां जाएं क्या करें। हम चाहते हैं कि हर भारतवासी को जहां वो जन्म लेता है, जहां वो बड़ा होता है, वहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको रोजगार के लिए भागने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे रोजगार हम गांव-गांव में देना चाहते हैं। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? संभव है। इसका हमने बहुत अध्ययन किया, पता चला कि 100 उद्योग ऐसे हैं जो हर गांव में लग सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 2 लाख गांव हैं जहां कपास पैदा होती है, और जिन गांव में कपास पैदा होती है वहां चरखा चलाकर सूत बनाया जा सकता है और सूत से खादी का कपड़ा बनाया जा सकता है और वो खादी का कपड़ा शहरों में बेचने के केंद्र शुरू किए जा सकते हैं। तो गांव में खादी बने और शहरों में खादी बिके, 2 लाख गांव में हम ये रोजगार दे सकते हैं। उसका भी हमने काफी हिसाब जोड़ा कि चरखा चलाता है कोई आदमी एक दिन में 8 घंटे, तो एक दिन की कमाई कम से कम उसकी 150 से 200 रुपए के आसपास होती है अगर 8 घंटे चरखा चलाए, और एक परिवार के 5 सदस्य 8 घंटे चरखा चलाएं तो परिवार की एक दिन की आमदनी 1,000 रुपए होती है। अच्छा रोजगार है ये खादी का, और ये रोजगार कोई मेरा आपका नहीं है, महात्मा गांधी के जमाने का है। वो बोल कर गए थे कि भारत के गांव-गांव में खादी का निर्माण हो और शहरों में खादी की बिक्री हो तो बेरोजगारी और गरीबी दोनों इस देश से मिट सकती। हमने हिसाब निकाला कि खादी के उत्पादन में और व्यापार में 15 करोड़ भारतवासियों को रोजगार दिया जा सकता है 2 लाख गाँव में। फिर एक ऐसे ही दूसरा उद्योग है, वो तेल का है। हम सरसों का तेल खाते हैं, नारियल का खाते हैं, तिल का तेल खाते हैं, हर व्यक्ति को तेल खाने के लिए लगता है, और इस देश में तेल हर गांव में बन सकता है, क्योंकि जहां सरसों होती है वहां सरसों का तेल हो सकता है, जहां तिल पैदा होता है वहां तिल का हो सकता है, जहां नारियल पैदा होता है वहां नारियल का हो सकता है। भारत में 56,000 करोड़ रुपए का तेल हर साल बिकता है। ये गांव-गांव से पैदा होकर शहर में अगर बिके
तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार हम दे सकते हैं। तेल निकालना, डब्बे में भरना, शहर में लाके बेचना, इतना सा काम। ऐसे ही भारत में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है और आलू से चिप्स बनता है और वो चिप्स बाजार में 400 रुपए का 1 किलो बिकता है। आपने देखा है रफल्स, हॉस्टेस, वो पैकेट जो है ना चिप्स का, मैंने उसका हिसाब निकाला, 400 रुपए किलो है और आलू 10 रुपए किलो है। तो जिन 90,000 गांव में आलू पैदा हो रहा है, हम उनको कहेंगे आलू बेचो ही मत, चिप्स बना के बेचो, उनका 400 रुपए किलो बिक सकता है तो हमारा 50 रुपए किलो तो बिकेगा, 60 रुपए किलो तो बिकेगा। और चिप्स बनाना इतना आसान काम है कि गांव की हर माँ, हर बेटी, हर बहन ये उद्योग में लग सकती है और हजारों, लाखों, करोड़ों परिवारों को काम मिलता है। भारत में करीब 65,000 गांव हैं जहां टमाटर पैदा होता है और टमाटर की चटनी बन सकती है हर गांव में, और वो टमाटर की चटनी बोतल में भर के 200 रुपए किलो शहर में बिकती है। टमाटर 20 रुपए किलो, टमाटर की चटनी 200 रुपए किलो। हम किसानों को कहेंगे टमाटर बेचो ही मत, चटनी बनाओ, चटनी बेचो 200 रुपए किलो की। मतलब सीधा है, कच्चा माल मत बेचो, उसको पक्का माल बना के गांव से बाहर भेजो। टमाटर की चटनी गांव गांव बन सकती है। इसी तरह गेहूं पैदा होता है भारत के 2.5 लाख गांव में, तो हम किसानों को कहेंगे गेहूं बेचोगे 11 रुपए किलो जाएगा और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो जाता है, तो गेहूं बेचो ही मत, आटा बनाओ, पैकेट में बांधो और शहरों में बेचो, जिनको झक मार के खरीदना है खरीदें, गेहूं बेचो ही मत, आटा बेचो, 26 रुपए किलो का बिकता। और शहरों में भी अब ऐसे लोग हैं जिनको आटा ही चाहिए, गेहूं कौन लाए, कौन उसको साफ करे, कौन उसको बीने, कौन उसको धोए, कौन उसको सुखाए, हम में आलस इतना आ गया है, तो सबको बना बनाया आटा चाहिए, तो उनके लिए बना बनाया आटा गांव से आएगा, पैकेट बंद होके बिक जाएगा। हम तो कुछ और व्यवस्था चाहते हैं कि वो आटा हाथ वाली चक्की से बने, हाँ, ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अभी ये जो मशीन वाली चक्की का आटा है ना, इसमें तो सब जल जाता है, क्योंकि आटा बनाते समय तापमान बहुत ज़्यादा होता है, पौष्टिकता सब खत्म हो जाती है। हाथ वाली चक्की से धीरे धीरे पिसाई होती है, उस आटे की सारी गुणवत्ता बरकरार रहती है और जो पीसने वाला है उसका वजन भी कम होता रहता है। 2-in-1 हुआ कि नहीं? हम तो एक अभियान चलाने वाले हैं कि जिस जिस के पेट बाहर निकले हैं वो हमारे साथ आओ, गांव की चक्की पर आटा बनाओ, आपको रोजगार भी मिलेगा, पेट भी आपका अंदर चला जाए। ऐसे ही इस देश में सभी तरह के मसाले गांव में पैदा होते हैं, जीरा है, धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, सब तरह के मसाले, उनको साफ करके पैकिंग गांव में हो, शहरों में आकर बिके। तो ऐसे 100 तरह के उद्योग सब गांव में हो सकते हैं और हमारी कैलकुलेशन है 60 करोड़ लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। अब बस देर किस बात की है कि स्विस बैंकों का पैसा जितनी जल्दी आ जाए तुरंत हम ये योजना लागू कर दें, क्योंकि इस योजना के लिए पूंजी की जरूरत वहीं से पूरी होगी। और हमने ये भी जोड़ा कि ये सारा काम कर देने के बाद, रोजगार सबको दे देने के बाद भी बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि 6,35,365 गांव में 100-100 उद्योग अगर हम लगाते हैं, उसका सारा कैलकुलेशन किया, मुश्किल से 15-20 लाख करोड़ में ये हो जाएगा, मुश्किल से। फिर बचे पैसे का हम क्या करेंगे? दूसरा काम हम बिजली देने का करेंगे, गांव गांव में बिजली होनी चाहिए और छोटे छोटे पावर स्टेशन हम बनाना चाहते हैं, 1-1 मेगावाट के छोटे पावर स्टेशन, एक पावर स्टेशन से 10 गांव की बिजली की सप्लाई हो जाए, इतने छोटे पावर स्टेशन। एक पावर स्टेशन 1 मेगावाट का 4.5 करोड़ में बनता है,
एक लाख पावर स्टेशन बनाए तो 4.5 लाख करोड़ का खर्चा है, उतने में हर गांव को बिजली मिल जाएगी। आप बोलेंगे हम छोटे पावर स्टेशन क्यों बनाना चाहते हैं। बात ऐसी है कि अभी जो पावर स्टेशन है बिजली के केंद्र, वो 1000 मेगावाट के, 1500 मेगावाट के हैं। उनमें जो बिजली पैदा होती है 13-14 हजार वोल्टेज की होती है, 11 हजार वोल्टेज की होती है। अब वो बिजली घर में तो हम जला नहीं सकते, घर में जलने वाली बिजली 110 वोल्ट की होती है और बड़े पावर स्टेशन में 13000 वोल्ट की पैदा होती है। उस बिजली को नीचे गिराना पड़ता है, जिसको स्टेप डाउन कहते हैं। उसमें हजारों लाखों यूनिट बिजली फालतू खर्च करनी पड़ती है, तब घर में 110 वोल्ट मिलती है। हमारा ये कहना है कि पावर स्टेशन छोटा बनाओ, 110 वोल्ट की ही बिजली पैदा करो, तो ये फालतू खराब ना करनी पड़े और घर घर में उसका इस्तेमाल हो जाए। और आप जानते हैं बिजली एक ऐसी उत्पाद है जो जहां बनती है वहीं खर्च होनी चाहिए। वो जितना ज्यादा दूर जाएगी ट्रांसमिशन लॉस उतना ही उसमें होता चला जाए। अभी क्या भारत में होता है, बिजली बंबई में बनती है, भोपाल में जलती है, तो बंबई से भोपाल आने में जो लॉस हो जाता है वो बेकार है। हमारे देश में बिजली का 35% लॉस है ट्रांसमिशन में, ये हम खत्म करना चाहते हैं। घर की बिजली 110 वोल्ट की छोटे पावर स्टेशन में बने, उद्योगों की बिजली बड़े वोल्ट की बड़े पावर स्टेशन में बने, रेलवे लाइन की बिजली 11000 वोल्ट की है तो वो और बड़े पावर स्टेशन में बने। 3 स्टेप में पावर स्टेशन हम बनाएं, एक 110-200 वोल्ट के, दूसरे 500-700 वोल्ट के, और फिर उसके बाद हजारों में। तो इसमें बिजली की बचत होगी, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा और बिजली का कॉस्ट कम हो जाएगा और हर गांव को जलने के लिए बिजली मिल जाएगी, 24 घंटे मिल जाएगी, एक मिनट भी बत्ती नहीं जाएगी। और इतना खरने में सिर्फ 4.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा, उसके बाद भी पैसे बचेंगे हमारे पास तो हम गाँव की सड़क बनवाएंगे। गांव की सड़क बनाने के बाद बचेंगे तो अस्पताल खुलवाएंगे, डॉक्टर, हॉस्पिटल, फिर पैसे बचेंगे तो विद्यालय, कॉलेज, और ये सब होने के बाद भी 60 लाख करोड़ बचेंगे, ये सब हो जाने के बाद। फिर हमको समझ में नहीं आएगा करें क्या, सब काम खत्म हो गया, अब कुछ बाकी ही नहीं है तो क्या करें। तो हम तो आराम की जिंदगी बिताएंगे, कुछ करने को ही नहीं है तो ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, और क्या करेंगे। और जो बचा हुआ धन है 60 लाख करोड़ का, वो भारत माता के नाम से एक फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे और उसका 1 साल का 10% का ब्याज अगर जोड़ लें तो 6 लाख करोड़ रुपए सालाना ब्याज मिलेगा। उतने पैसे से देश का काम अनंत काल तक चलता ही रहेगा, आराम से ये देश चलेगा, कोई तकलीफ किसी को होने की जरूरत नहीं।